व्हाट्स अप गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल द परफ्यूम लैब पे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एनवी के ही एक और परफ्यूम के ऊपर जिसका नाम है नॉयर। इस परफ्यूम के बारे में आज बात करेंगे, जानेंगे इसकी खुशबू के बारे में, क्या इसके नोट्स हैं, क्या लॉन्जिबिलिटी है, क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ से परचेस करना है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको इसी वीडियो के अंदर, बस आप अंदर बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, काम अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या कमी रह गई थी। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिएगा पूरा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। परफ्यूम डियो खुशबू से रिगार्डिंग मैं कंटेंट डालते रहता हूँ, वहाँ पर भी आप ज़रूर इसको चेकआउट करिएगा। तो आप चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ओके गाइस, बॉटल जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ये आप देख सकते हो कि ऐसी बॉटल दिखती है। इस बॉटल का मैंने पूरा रिव्यू किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। हाय गाइस, सो आप बात कर लेते हैं इस परफ्यूम के बारे में, इस बॉटल का रिव्यू कर लेते हैं। आप देख सकते हो एकदम स्मूथ और एकदम मतलब कमाल का ब्लैक कलर दिया हुआ है, जेड ब्लैक कलर यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें सिल्वर कलर में एनवी लिखा हुआ है और यहाँ नॉयर लिखा हुआ है। ठीक है, स्टील की बॉटल है ये। ओके, ढक्कन प्लास्टिक का है, हमेशा की तरह सिंपल सा ढक्कन ब्लैक कलर का। बॉटल काफ़ी शानदार है, ब्लैक कलर की स्मूथ बॉटल है कंफर्टेबल पकड़ने के लिए। और नॉयर जो वेटेंट का नाम है वो ब्रांडेड विथ रिच फ्रेंच फ्रेगनेंस लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम ये लिखा हुआ है। अगेन वेज का सिंबल। ओके, सो 199 इसकी MRP है, लेकिन ऑनलाइन प्राइस कम है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, सो 120 ml की बॉटल है ये, 99 grams की। यहाँ पे कुछ छोटी मोटी जानकारी लिखी हुई है, कॉशन, और मार्केटेड बाय वेनेसा गेयर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चर्ड बाय वेनेसा कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एनवी वेनेसा का ही ब्रांड है, बाकी यहाँ पे इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। सिंपल सी बॉटल है ये, कुछ खास नहीं है, बॉटल काफ़ी अच्छी है। तो ये मैंने बॉटल का आपका हिसाब ने रिव्यू कर दिया, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। ओके गाइस, बॉटल का रिव्यू तो हो गया, अब बात कर लेते हैं इसकी खुशबू के बारे में। इसकी खुशबू के बारे में बात कर लेते हैं, कैसी इसकी खुशबू है। ठीक है, मैं आपके नोट्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्या इसके नोट्स हैं। देखिए, जो टॉप नोट है जो कंपनी बताती है वो है ग्रेपफ्रूट, जो टॉप में आता है वो, उसके अलावा एप्पल, उसके अलावा प्लम भी है यहाँ पे जो टॉप नोट है। जो मिडल नोट में आपको मिल जाएगा सिनेमन, उसके अलावा साइप्रस, उसके अलावा जेरेनियम का भी यहाँ पे थोड़ा टच है हल्का सा। और जो एकदम बॉटम में है, बॉटम नोट में है, उसमें आपको थोड़ी सी स्वीटनेस वनीला की दिख जाएगी, उसके अलावा मस्क है, उसके अलावा सडारवुड है और सैंडल है। तो ये जो है तीनों लेयर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब बात कर लेते हैं इसकी खुशबू के बारे में, एक्चुअली इसकी खुशबू है कैसी। ठीक है, मैं आपको इसकी जो खुशबू है वो एक्सप्लेन करता हूँ। गैस डीओ नहीं है, लिक्विड डीओ है। मैं आपको बताऊं, शायद मैं गलत हो सकता हूं या फिर नहीं, लेकिन जब इसको आप स्प्रे करोगे ना, सबसे पहले स्प्रे करोगे तो आपको फील होगा, शायद शराब जो होती है, थोड़ी सी शराब की ऐसी मतलब आपको थोड़ी सी खुशबू आती है, हल्की सी जो अल्कोहल टाइप की खुशबू होती है ना, वो हो सकता है ये ऐसे है। क्योंकि इसमें एप्पल का जो टच है, आपने कभी एप्पी फिज पिया होगा तो आपको फील होता होगा, अगर आप एप्पी फिज को थोड़ा सा ऐसे टच, थोड़ा सा एक बूंद गिरा के हाथ पे देखोगे और 10 मिनट उसको अगर स्मेल करोगे तो वैसी खुशबू आती है, जैसे ये ओपन होता है वो, जैसे आप स्प्रे करते हो ना, वैसे ही वैसी एप्पल की थोड़ी सी खुशबू आती है। ग्रेपफ्रूट की खटास भी है यहाँ पे थोड़ी सी। ठीक है, प्लम तो मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन एप्पल और ग्रेपफ्रूट का भयंकर यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है वहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी स्वीट है, थोड़ी सी खट्टी है, थोड़ी सी फ्रूटी खुशबू आप कह सकते हो। उसके अलावा आधे घंटे बाद जब खुशबू थोड़ी सी ड्राई डाउन हो जाएगी, आपको जो है थोड़ी सी जैस्मिन की टाइप खुशबू आ सकती है। ये शायद इसके लिए है कि उसमें जेरेनियम का भी टच है, उसकी वजह से भी हो सकता है।
मसालेदार खुशबू सिनेमन की हो सकती है, लेकिन मुझे मसाले की खुशबू लगी थी, सिनेमन की शायद मुझे फील नहीं हुई थी, लेकिन थोड़े से जो जो मसाले होते हैं गरम मसाले वैसी, उनमें से कुछ मुझे खुशबू आई थी। इन शॉर्ट में आपको थोड़ी सी बूढ़ी खुशबू आई थी आधे घंटे के बाद, ठीक है। और जब ड्राई डाउन हो जाता है तो आपको मस्क का ज़्यादा खुशबू आता है, वेनिला सैंडलवुड का तो मैं कह नहीं सकता, मस्क मुझे ज़रूर फील हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जब ड्राई डाउन हो जाएगा ना, उसके बाद तक मतलब आपको खुशबू फील ही नहीं होती है। मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ, ये तो मुझे रिव्यू करना था, इसके लिए मैं बार बार फील कर रहा था कि एक्चुअली खुशबू कैसे आ रही है। लेकिन आप इन जनरल कोई आदमी जब लगाता है तो उसको सिर्फ टॉप नोट ही फील होता है, मिडल नोट और जो बॉटम नोट है वो फील होते ही नहीं है। मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, क्योंकि इसकी जो लॉन्जिबिलिटी है काफ़ी कम है। ये इसके लिए भी हो सकता है कि शायद मैं इस वक्त किसी गर्म माहौल में हूँ इसके लिए, या फिर बाहर लू चल रही है इसके लिए भी। लेकिन अगर आप किसी ठंडे प्लेस में भी हैं तो शायद लॉन्जिबिलिटी बढ़ जाए, लेकिन जो खुशबू की जो मैं आपको बताऊँ जो पकड़ है वो शायद उतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा मुझे फील होता है। क्योंकि जो मिडल नोट है उसके नोट्स इतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मतलब इतने स्ट्रांग भी नहीं है कि वो पकड़ जमा सकें दो घंटे बाद भी, ठीक है। तो लॉन्जिबिलिटी अगर मैं बात करूँ तो लॉन्जिबिलिटी मुश्किल से 3 घंटे की है, मुश्किल से, वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी खुशबू ठीक ठाक है, इतनी ऑकवर्ड भी नहीं है, इतनी सिंपल भी नहीं है। इसको आप जो है ऑफिस वगैरह में यूज़ कर सकते हो, कॉलेज स्कूल में वगैरह में यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये खुशबू इतनी इंप्रेसिव नहीं है, मतलब एवरेज आप मान सकते हो कि ठीक ठाक खुशबू है, एवरेज है, ज़्यादा कुछ इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट आप कर भी नहीं सकते हो। ठीक ठाक खुशबू है, ओके ओके खुशबू है, इतनी कुछ खास खुशबू मुझे फील हुई नहीं, बट ठीक है। इसकी जो प्राइस है ऑफलाइन 199 है, लेकिन ऑनलाइन आपको 140-150 के आसपास मिल जाएगी। मैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके परचेस कर सकते हो। ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो ठीक ठाक एवरेज खुशबू है ये, कुछ खास खुशबू है नहीं। जिम के लिए मुझे लगती नहीं है खुशबू ठीक है, बट फिर भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी नोट्स क्या है, इसकी खुशबू कैसी है, इसको कहाँ लगाना है, क्या इसकी प्राइस है। और भी इसके बारे में कुछ आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और भी कुछ डाउट इसके रिगार्डिंग आपको है, कोई और परफ्यूम का रिव्यू आप करवाना चाहते हो तो ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगा, हो सके तो उस परफ्यूम का रिव्यू भी करूँगा। कुछ दिनों पहले जो मैंने लेटेस्ट विलेन डिज़ायर का रिव्यू किया था उससे भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए मुझे, उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। उसके अलावा विराट कोहली के भी लेटेस्ट 4 डियो लॉन्च हुए हैं, वो मैंने चारों ही मंगा लिए हैं, उन चारों का ही बैक टू बैक रिव्यू आने वाले दिनों में करेंगे, तो उसके लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।